बॉयज एंड गर्ल्स, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक ब्रांड न्यू सीरीज में जिसका नाम है इनटू द डेड 2। ये वाला जो गेम है गाइस वो लिटरली हमें रेसिडेंट इविल की तरह देखने को मिलेगा। इस वाले गेम में हमें हाई ग्राफिक के साथ साथ एक तगड़ी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, बट हमारे रास्ते में हमें लाखों करोड़ों ज़ॉम्बी देखने को मिलेंगे। उनसे बच के हमको गेम को आगे कंटिन्यू करना होगा। सो बेसिकली जो हमारा गेम का मेन कैरेक्टर है वो एक सोल्जर होता है। वो अपना एक मिशन कम्प्लीट करके अपने घर पे आ रहा होता है, बट अपने घर पर आने के लिए वो एक ट्रक से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के कारण उसके ट्रक का बहुत ही ज्यादा बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। उस वाले ट्रक एक्सीडेंट में हम तो सरवाइव कर जाते हैं, पर दिक्कत की बात ये है कि हम हमारे घर से एंड फैमिली से बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन हमें कैसे भी करके हमारी फैमिली के पास पहुंचना होगा क्योंकि ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स बहुत ही तेजी में बढ़ रहा है। एंड अभी आगे देखना यह है कि हम हमारे फैमिली के पास पहुंच पाएंगे या नहीं। All right guys, welcome to Into the Dead 2। So यहाँ से जो हमारी मेन गेम की स्टोरी है भाई वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड अब देखना ये कि आगे क्या होगा। तो एक सुनसान से रास्ते पर से हमारी ट्रक जो है वो चल रही है, एंड भाई ये कौन है? ये चलने से तो ज़ॉम्बी नहीं लग रहा, बट लेट्स सी कि ये कौन था। एंड यहाँ पर हम लोग हमारे ट्रक को चला रहे हैं, एंड हमारे बाजू में वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है। तो हम लोग एक आर्मी ऑफिसर है, वेट अ सेकंड, यहाँ पर एक कॉल आ रहा है। So, call की दूसरी तरफ एक हेले नाम की लेडी हमसे बात कर रही है, एंड वो कह रही है कि जल्द से जल्द घर पर आ जाओ, एंड ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। बट ये क्या भाई, सामने की तरफ कार आ रही है, हमारी ट्रक अनबैलेंस हो चुकी है, एंड हमने किसी को तो ठोक दिया भाई। भाई क्या ही तो खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है, एंड हम लोग अभी बेहोशी वाली हालत में है, लेकिन सामने की तरफ से कितनी तादाद में ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। गाइस देखने से तो यही लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है, तो अभी हम लोग वॉकी टॉकी को पिक करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई तुम लोग देख पा रहे हो कितने तादाद में ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अरे लेकिन ये रुक क्यों गया? ओके किसको तो ढूंढ रहा है, मैगी। ओ भाई ये कौन है? ये किसने किसकी तो फोटो पिकअप की इसने? भाई जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। बट ये क्या भाई, ज़ॉम्बी हमारा हाथ पकड़ चुका है। ओके हमने हाथ भी छुड़ा दिया। ओके लेट्स गो भाई, आगे बढ़ते हैं। एंड अभी जो हमारा गेम का कैरेक्टर है गाइस वो हेलेन को कह रहा है क्या अभी वो बच गया, एंड वो अभी घर पर आने वाला है। लेट्स गो भाई, यहाँ से हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, एंड टैप करने से हम लोग शूट कर सकते हैं, एंड इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। लेट्स गो भाई, तुम लोग देख पा रहे हो भाई रास्ते में कितने ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज है। ओके गाइस सामने की तरफ हमें ग्रीन लाइट चमकती हुई दिख रही है, सो लेट्स गो वहां पर चल के देखते हैं, एंड साथ ही साथ हम लोग ज़ॉम्बी लोग को भी पेलते रहेंगे। ओके गाइस वहां पर हमें एमओ मिलेगा, ये एक ड्रॉप है जो कि आर्मी वालों ने सर्वाइवल लोग के लिए भेजा है। बट ये क्या भाई, एक कार जाके ट्री पे टकरा गई। ओके भाई क्या ही तो खतरनाक माहौल दिख रहा है। ओके सामने की तरफ और के क्रिएट है, ओके इसे भी पेलो, एंड यहाँ पर से गाइस हमें एमओ मिलेगी। ओके लेट्स गो, 20 एमओ भी अब हो चुकी है, एंड अभी जितने भी ज़ॉम्बी हमें रास्ते में दिखने वाले अभी सभी को पेलते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके ये बैरिकेड है तो इनको भी संभाल के चलना होगा, ये को भी पेल दिया। ओके भाई सामने की तरफ और एयर ड्रॉप दिख रहा है। ओके ये ज़ॉम्बी को हमें डबल गोली मारना पड़ता है। ओके ये बच गया, बट कोई ना गाइस अभी हमें एमओ भी मिल चुकी है, सो लेट्स गो फटाफट से किल करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस जो हमारे घर का रास्ता है भाई वो यहाँ से सीधा ही आता है, तो हमें जितने भी रास्ते में ज़ॉम्बी मिलेंगे उनको किल करते हुए एंड एमओ कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। ओके भाई यहाँ पर किसी का कॉल आ रहा है। सो बेसिकली गाइस जो हेलेन है वो हमारी सिस्टर है, एंड वो हमें पूछ रही कि का हो तुम एंड सेफ हो क्या नहीं। हमने हमारी पूरी कंडीशन समझा दी है, सो लेट्स गो, हम कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द घर पर आने वाले हैं। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर से हमारी एक न्यू वेपन शॉटगन खुल चुकी है। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग वाली सिटी को छोड़ के एक न्यू सिटी में आ चुके हैं, एंड इस बार हमारे साथ शॉटगन भी है, सो लेट्स गो, अभी ज़ॉम्बी को मारने में ज्यादा आसानी होगी। ओ भाई शॉटगन भाई एक ही गोली में तीन जन को टपका देता है, साथ में देखो अभी दो जन को टपका दिया भाई, क्या ही तो खतरनाक है। ओके लेट्स गो, इनको भी पेलती है भाई। लेट्स गो, अभी यहाँ पर हमें एयर ड्रॉप मिल चुका है, एंड भाई सामने की तरफ आग लगी हुई है। ओके ओके सामने की तरफ ज़ॉम्बी आ रहे, भाई क्या ही तो उड़ा रहा हूँ, लेजिट बता रहा हूँ भाई, क्या ही तो खतरनाक शॉटगन चल रही है। मैं रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बीज आ रहे भाई लिटरली मैं एक ही गोली में तीन जन को टपका दे रहा हूँ। एंड हमें एक चीज भूलनी नहीं है, हमें रास्ते के बीच बीच में हमारी फैमिली को कॉल करते रहना होगा ताकि हम उनके बारे में पूछ सके, क्योंकि गाइस एक डैडी होती है जिनके ऊपर पूरी घर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट कोई ना भाई, हम कैसे भी किसी भी हालत में हमारे घर पर जाकर हमारी फैमिली को बचाएंगे। एंड आप लोगों ने बीच में एक मैगी नाम सुना होगा, जो मैगी गाइस वो हमारे गेम के कैरेक्टर की बेटी है, एंड वो अभी हमारी बहन हेलेन के घर रुकी हुई है। एंड तुम सब भी बहुत अच्छे से जानते हो गाइस, ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के टाइम कोई भी जगह सेफ नहीं होती, बट कोई ना गाइस हम हमारा 100% देंगे हमारे ज़ॉम्बी के सबको क्लियर करते हुए हमारी फैमिली के पास हमें किसी भी हालत में पहुंचना है। ओके भाई हमें अवॉइड करना है क्लोज फाइट को, एंड अगर हम लोग क्लोज फाइट पे आ जाते जो ज़ॉम्बी का सो हमें काट के मार देगी, एंड हम अपनी फैमिली को बचा नहीं पाएंगे, तो हमें वैसा नहीं करना है गाइस, हमें ज़ॉम्बी लोग को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर अभी हम सिस्टर को कॉल कर रहे हैं, एंड जो हेलेन है गाइस उसने सेफ्टी के लिए हमारे डैड को अभी घर पर बुलाया है। ओके वो कह रही कि ज्यादा समय मत लगाओ एंड घर पर आ जाओ। डैडी,
Hey, pumpkin. Look, एंड अभी हम लोग हमारी सारी सिचुएशन हमारी गेम के कैरेक्टर की बेटी को समझा रहे हैं। एंड अभी हम मैगी को समझा रहे हैं कि उसे ज्यादा शरारत नहीं करनी है। आंट हेलेन जो कहती है उसे वही सुनना है। अरे यार ये कितनी प्यारी है। सो गाइस अभी हमारे घर की सिचुएशन थोड़ी ठीक है क्योंकि अभी हमारे डैड हमारी बेटी एंड बहन की सेफ्टी के लिए है। अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सिटी में चलते हैं। ऑलराइट गाइस अभी हम लोग एक न्यू सिटी में आ चुके हैं एंड न्यू सिटी की हालत तुम लोग देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा ही होता है जब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आता है एंड मैंने सुना है कि ये वाली सिटी में बहुत तादाद में ज़ॉम्बीज़ हैं। मुझे बिल्कुल भी ये ज़ॉम्बीज़ को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ जो है मुझे मार भी सकते हैं। ओके सामने की तरफ एयर ड्रॉप दिख रहा है सो लेट्स गो इसे पिकअप करके। हमें गोली मिल चुकी है पिस्तल की। ओ भाई हमारी शॉटगन की गोली खत्म हो चुकी है एंड कितने तादाद में ज़ॉम्बीज़ है भाई तुम लोग देख पा रहे हो। एंड ये सिटी में भी हमें सीधा दौड़ते रहना है क्योंकि आगे के रास्ते में हमें न्यू सिटी देखने को मिलेगी सो लेट्स गो चल के वो देखते हैं। लेकिन गाइस सामने की तरफ तो जंगल है एंड जंगल के बीच में हमें एयर ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है सो लेट्स गो वहां पर चलते हैं। बट वहां पर ज़ॉम्बी भी है। ओके ओके लेट्स गो हमें एयर ड्रॉप मिल चुका है एंड यहाँ पर से हमें पिस्टल की एमओ ही मिल रही है। भाई मुझे शॉटगन की एमओ चाहिए क्योंकि शॉटगन एक ही बार में तीन तीन ज़ॉम्बी को किल कर देता है। और भाई तुम लोग देख पा रहे हो भाई फार्म की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी गाय एंड फसल थी वो पूरी खराब हो चुकी है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के कारण। एंड अभी थोड़ी देर पहले हमारे सर के ऊपर से मिलिट्री की जेट भी गई है एंड यहाँ पर हमें गाइस एयर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ऐसे कलेक्ट करते भाई कितना ज्यादा ज़ॉम्बी के बीच में बचते हुए आया एंड भाई फाइनली हमें मिल चुकी है शॉटगन की एमओ। लेट्स गो भाई अभी मचाएंगे। एंड यहाँ पर कुछ कुछ ज़ॉम्बी ऐसे होते जो कि एक गोली में नहीं मरते। उनको मारने के लिए हमको दो दो गोली चलानी पड़ती है। देखो भाई शॉटगन की कितनी ज्यादा गोली वेस्ट हो रही है एंड कोई ना भाई हम सारा गोली मार देंगे। एंड यहाँ पर तो अभी हम लोग एक जंगल में आ चुके हैं बट कोई ना भाई अभी जंगल को पार करते हुए मुझे पता है कि नेक्स्ट सिटी लगने वाली है। ओके ज़ॉम्बी देखो गाइस ये ज़ॉम्बी को हमें दो गोली मारना पड़ता है फिर ये ज़ॉम्बी मरता है। ओके कोई ना अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सो लेट्स गो भाई अभी यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। ओके गाइस अभी हम किसी के फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं बट ये क्या भाई सामने की तरफ एक डॉग दिख रहा है। ओके हम इसे हमारे पास बुला रहे हैं भाई आजा आजा आजा। भाई क्या लगता है भाई ये जो डॉग है हमारी जर्नी में हमारा आगे साथ दे पाएगा या नहीं। भाई ये कितना फ्रेंडली है भाई एंड कितना ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। ओके भाई कितना प्यार से देख रहा है देखो यार मतलब लेजिट मस्ती लग रहा है कुत्ता। एंड अगर ये हमारे मिशन में हमारा साथ देगा तो क्या ही खतरनाक होगा ज़ॉम्बी से हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पर अभी हमने हमारे डॉग का नाम रिकी सेट कर दिया है। ओके भाई क्या ही तो प्यार से देख रहा है सो लेट्स गो अभी बढ़ते दूसरे सिटी में। उससे पहले हेलेन से बात करते हैं। We're getting there. It's no fortress, but it'll have to do. वो कह रहे कि ज़ॉम्बी गाइस वो बहुत ज्यादा तादाद में हमारे घर के आजू बाजू घेर रखे एंड मैगी बहुत ही ज्यादा डर रही है। ओके अभी हम कह रहे हैं कि उसका फेवरेट टेडी उसको दे दो। I'll try. Thanks. I'm no good at this stuff. एंड हेलेन ये कह रही कि उसने ऐसा पहला कभी किया नहीं तो उसको पता नहीं है एंड जो जेम्स है उसे समझा रहा है कि तू कर सकती है एंड उसे थोड़ा मोटिवेट कर रहा है। एंड अभी लेट्स सी भाई नेक्स्ट सिटी में फटाफट से चलते हैं। ऑलराइट गाइस अभी हम लोग एक न्यू जगह पे आ चुके हैं जिसको हम सिटी तो बोल नहीं सकते क्योंकि एक जंगल है। एंड सॉरी गाइस मैं हमारे गेम का कैरेक्टर का नाम बताना भूल गया उसका नाम है जेम्स। एंड गाइस मेरे सर के ऊपर हमेशा एक खतरा मंडरा रहा है कि मेरी फैमिली को कुछ होना चाहे। तुम ही सोचो यार अगर तुम्हारी फैमिली को कुछ होता है ऊपर वाला ऐसा ना करे तुम लोग जस्ट इमेजिन करो। बट ये क्या गाइस सामने की तरफ एक हेलीकॉप्टर है एंड उसके ऊपर ज़ॉम्बीज लटक रहे हैं। भाई प्लीज उसका क्रैश ना हो जाए। अगर वहां हेलीकॉप्टर मिल जाता तो हम बहुत ज्यादा इजीली हमारे घर के पास पहुंच सकते हैं एंड हमारी फैमिली भी सेफ हो सकती है। गाइस ये क्या यार वो हेलीकॉप्टर वाला चले गया बट कोई ना भाई वो इस सिचुएशन में क्या ही करता। इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े हुए थे एंड भाई जंगल तुम लोग देख पा रहे हो क्या ही तो घना है। एंड तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा पिछले मामले में ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं भाई। एंड अगर गलती से भी एक ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा तो मुझे सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। ओके लेट्स गो यहाँ पर से मुझे और ज्यादा एमओ मिल चुकी है पिस्तौल की एंड लेट्स गो भाई कुछ कुछ ज़ॉम्बी दो दो गोली लेते हैं मरने के लिए बट कोई ना भाई उनको भी छुड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड ज़ॉम्बी भाई लिटरली मेरे बाजू बाजू से निकल रहे हैं एंड मुझे ये डर लग रहा है कि वो मुझे काट ना ले बट कोई ना भाई हमारे पास भी पिस्तौल शॉटगन है बट हम तब क्या कर सकते हैं जब हमारे पास ना ही गोली होगी। बट कोई ना गाइस उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है हम वहां से एयर ड्रॉप से भी उसको ले सकते हैं। ओके लेट्स गो भाई मारते हो चलते भाई कितना क्लोज। ओ नहीं चाकू घुसाओ। ओ भाई क्या ही तो बचा भाई लिटरली। एंड गाइस जब ज़ॉम्बी हमें पकड़ लेता है तो उसे फाइट करने के लिए हमें उस वक्त चाकू यूज करना पड़ता है एंड जो चाकू है भाई वो हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं। अरे नहीं यार गाइस मैं इस वाले हेलीकॉप्टर से एस्केप करने की सोच रहा था एंड ज़ॉम्बी के कारण इस वाले हेलीकॉप्टर का भी बहुत खतरनाक वाला क्रैश हो चुका है एंड हेलीकॉप्टर के अंदर जितने भी पैसेंजर एंड सर्वाइवल थे वो सारे मारे गए। भाई क्या यार ये ज़ॉम्बीज के कारण कितने मासूम लोगों की जान जा रही है। बट ये क्या मेरी गन में पूरी जो गोली है गाइस वो खत्म हो चुकी है एंड ज़ॉम्बी गाइस अगर मुझे इस बार पकड़ लेते तो मैं कसम से टपक जाऊंगा। भाई कुत्ते मेरी जान बचा ले। ओके सामने की तरफ अभी कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है तो अभी मैं मेरी फैमिली को कॉल करता हूँ। एंड हेलेन कह रही है कि इस बार कुछ ज्यादा ही तादाद में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं उनके घर के पास। Terrified.
बट ये क्या बोल रही है, हमारे जो डैड है उनके पैरों से खून निकल रहा है। What? भाई क्या What हमारे डैड भी इन्फेक्टेड है? Helen! Helen is dead bit. Shit! तो चलो गाइस आज के इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही। एंड गाइस तुम लोग को क्या लगता है, हमारे डैड इन्फेक्टेड है या नहीं? अगर वो गलती से इन्फेक्टेड हो भी गए तो हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा खतरे में आ सकती है, लेकिन हमें कैसे भी करके हमारी फैमिली के पास पहुंचना ही होगा। एंड अगर आप लोग को जानना है कि आगे क्या हुआ तो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एंड अगर आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मैं जैसे न्यू एपिसोड डालूं इनटू द डेड 2 का तो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले गेम प्ले वीडियो में, टिल देन पीस एंड लव। फाड़ मैंने दिया, हाउ टू चल रहा है गेमिंग, फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे रहता क्योंकि चलता 24/7 ग्राइंड। पीस एंड लव देके कर गुड बाय, बिकॉज इट्स माय स्टाइल बॉय।